हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी वेबसाइट topperexam.com में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे अपडेट करंट अफेयर्स की डेली जीके के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, साथ में उनके आंसर भी दे रहे हैं, जिससे आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में इनकी हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है 2.33 करोड़ रुपए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, नीट पीजी में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में किस हाई कोर्ट ने पीजी की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, में सही उत्तर दिया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने दावों को जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, में सही उत्तर दिया हुआ है ख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिसमें सही उत्तर दिया हुआ है क विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिसमें सही उत्तर दिया हुआ है क 6 जुलाई। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है ख 108। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है ख केविन रॉबर्ट्स। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, CII की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है ग 155 कंपनियों ने। नवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज़ को वापस ले लिया है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है घ अमेरिका। अंतिम दसवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इनमें से किस देश में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जिनमें सही उत्तर दिया हुआ है ख बांग्लादेश। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी से शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली नई जीके न्यूज़ आपको मिल सके। यदि आपको इंग्लिश में जीके क्वेश्चन देखने हैं तो आप दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।